झपकते ही पेड़ पर चढ़ जाता है। वहीं बाघ चढ़ तो जाता है लेकिन बड़ी ही मुश्किल से। लगता है मेरा यहाँ पर होना ठीक नहीं, ये उसका इलाका है। तो ऐसा होता ये साइकिल पे कौन है और ये क्या है, ये कर क्या रही है? ये तो शायद हाथी की लीद है ना? हाँ, ये हाथी की लीद में मिट्टी मिला रही है। लेकिन ये ऐसा कर क्यों रही है, हाथी की लीद में मिट्टी? छी, हाँ, अरे इतनी भी बुरी बू नहीं है इसमें सुंगो, इसकी बहुत गंदी बू आ रही है। इससे सूंघना। तुम्हें क्या लगा मैं इस बू से डर जाऊंगा? तुम लोग क्या इसे दीवार पर लगाते हो? हाँ, हाँ, बिल्कुल, अच्छा? बिल्कुल। अच्छे से मिलाओ। लीद की पुताई थारू घरों को वाटरप्रूफ बना देती है। तुम्हें तो घर के अंदर भी इसकी बू नहीं आती होगी ना, क्योंकि यहाँ तो पूरा घर ही इससे महक रहा है ना? मेरा घरवाला किधर है? सारा काम मेरी बेटी ही करती है, घरवाला कुछ नहीं करता, उंगली तक नहीं हिलाता वो। मैं तो यहाँ मजे से रह सकता हूँ, क्या हुआ अगर ये सारे घर लीद से महक रहे हैं? देखो उसने देखते ही देखते कितना सारा लीप दिया। बहन का हाथ बटा जा। कमाल कर दिया उसने, पूरा घर लीप दिया। अगर आप स्पेन, अर्जेंटीना, मेक्सिको, अमेरिका या हॉलैंड के बच्चों से कहें कि जाओ जरा हाथी की लीद से लीप कर अपने घरों को वाटरप्रूफ बना दो, तो वो साफ मुकर जाएंगे। पर यहाँ तो बिना ब्रश के ही पूरी लिपाई हो गई। अच्छे से फैला बेटा, मुझे पक्का पता है ये फ्रैंक के बस की बात नहीं है, मतलब हाथी की लीद से लिपे घर में रहना। तो चलो हम ही फ्रैंक को थोड़ा मजबूत बना दें, वो भी मच्छर के डंग से बचाने वाला ड्रिंक पिलाकर। जरा पानी देना, ये पीकर देखो। कुछ खाने को भी दे दो बेचारे को। लो पियो। ये क्या है? दारू है। मतलब पानी नहीं है? नहीं, दारू है। ये दारू है? दारू है। दारू है ये? इसे फटाफट गटक जाओ। ये दारू मच्छरों के डंग से बचाती है, जिस्म को फौलाद बनाती है। हमारी दारू बेहतरीन है। क्या कहा, मलेरिया? यहाँ किसी को मलेरिया नहीं होता। नो मलेरिया, यहाँ किसी को मलेरिया नहीं होता, मैं कहती हूँ। और इसकी वजह इन लोगों का खाना पीना, यानी पहले जम कर पियो और फिर अच्छी तरह से खाओ। जाहिर है मच्छर यहाँ से दूर ही रहते हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं होता। फ्रैंक को हमारी बात का यकीन नहीं हुआ और न ही उनसे हमारी दारू पी गई। और नहीं पी सकता मैं, और पिया तो मर जाऊंगा, सच में मर जाऊंगा। लेकिन मैं पी सकता हूँ, मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। ये देखो, कोई नहीं हरा सकता, मैं ताकतवर हूँ, फिरंगी मुझे नहीं हरा सकता। बहुत ताकत है मुझ में, बहुत मजबूत हूँ मैं। यहाँ आसपास बाघ है क्या? पहले तो यहाँ बाघ ही बाघ घूमते थे, हमने उनको डरा कर भगा दिया। फ्रैंक को तो बस बाघ की ही पड़ी थी, लेकिन बाघ को ढूंढने दिन में कौन जाता है? अगर बाघ एक बार आदमी का मांस खा लें तो फिर उसे उसी का चस्का लग जाता है, लेकिन जिन बाघों ने ऐसा नहीं किया वो इंसानी बस्तियों से डरते हैं। बाघ खतरनाक है, लेकिन फ्रैंक को तो उसी की धुन लगी हुई है। मुझे फ्रैंक की ही फिक्र हो रही है, अगर उसे बाघ मिल गया तो फिर ऊपर वाला ही उसे बचाए। उम्मीद है कल वो जिंदा लौट आएगा। चितवन, नेपाल। वो वहां जो ऊपर परिंदा दिख रहा है, वो है सवाना का गिद्ध। ये पूरे नेपाल और भारतीय प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। इनमें खास बात यह है कि इनके विशाल डैने देखने लायक होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि यकीन नहीं होता, और पंखों का बेशुमार परों से बना आखिरी सिरा बाज के परों जैसा होता है, और छोर पर ये उंगलियों जैसे दिखते हैं। इन्हें गौर से देखा जाए तो ये बिल्कुल किसी इंसानी उंगली की तरह परों के छोर पर घुमाव लिए होते हैं। कमाल का परिंदा है ये।
देखिए वो कितना चौकन्ना दिखाई दे रहा है, कितना चौकन्ना है वो। लेकिन वो ऐसे क्यों देख रहा है? शायद उसकी आंख ही ऐसी हो और वो हमें ही देख रहा हो। इनकी टांगे लंबी और बहुत ही मजबूत होती हैं। ये शिकार को अपने पंजों में बड़े ही आराम से दबोचकर उड़ जाते हैं। देखिए कितनी जबरदस्त टांगे हैं इसकी। देखिए कितना खूबसूरत परिंदा है ये। वैसे है तो बदसूरत, लेकिन कुदरत ने अपने हिसाब से इसे सुंदर ही बनाया है। अब उड़ के देखा भाई। अरे उड़ेगा तभी तो दुनिया को तेरे पंखों की शान दिखाई देगी। जरा उधर जाना, उड़कर जाना, उड़ जा। उसके पंखों का फैलाव देखा आपने? वाह क्या बात है। और मजे की बात यह कि वो मेरे कहने पर उड़ा। चल दोस्त मिलते हैं फिर।